अरे अखिलेश, ईंटें जल्दी जल्दी लाओ। अरे तुम ईंटें ला ही नहीं पा रहे हो। अरे तुमसे अच्छे तो योगी जी थे, वो कम से कम 20-20 ईंटें ले तो आते थे। अरे तुम तो मुश्किल से 10-10 ईंटें ला पा रहे हो। यार तुमसे अच्छे तो योगी जी थे, मैंने बहुत गलत किया, मैंने उन्हें निकाल दिया। और राहुल, तुम मसाला नहीं पहुंचा पा रहे हो मेरे पास सही तरीके से। क्या बताऊं यार, योगी जी को मैंने काम से निकाल के बहुत गलत किया। अरे मोदी जी, क्या कह रहे हो, तुमने योगी जी को निकाल दिया? अरे तुमने योगी जी को निकाला, वो भागे हैं यहाँ से। तुम उनसे बेहिसाब मेहनत लेते थे इसीलिए वो भाग गए, और मैं भी यहाँ पर नहीं टिकूंगा। अरे कोई मेहनत की हद होती है? मैं अपने हिसाब से जो भी ईंटें ला रहा हूँ, तुम जरासी देर में लगा दे रहे हो। और राहुल बेचारा मसाला लाते लाते परेशान है। क्यों राहुल? हाँ मोदी जी, मैं भी नहीं टिक पाऊंगा तुम्हारे पास। ये कोई बात है, तुम आदमी हो या मशीन हो? मैं मसाला लाता हूँ, तुम जरासी देर में लगा देते हो। अखिलेश ईंटें लाता है, जरासी देर में लगा देते हो। क्या बात है, कितनी तेज हाथ चलाते हो तुम। इसीलिए तो योगी जी तुम्हारे पास टिके नहीं। देखो राहुल और अखिलेश, मैं एक महीने का ठेका 10 दिन में लेता हूँ, इतनी बात समझ लो। और मैं जो आदमी भी करता हूँ काम के लिए, उनसे भरपूर मेहनत लेता हूँ। अब तुम रुको या मत रुको, ये तुम्हारी मर्जी है। योगी जी भी नहीं रुके, कोई बात नहीं है, मैंने कहा उनसे चले जाओ। अब तुम दोनों अगर नहीं रुकना चाह रहे हो, तुम्हें मेहनत ज्यादा लग रही है, चले जाओ, दूसरे लोगों को देख लूंगा मैं। मेरे पास तो लोग आते जाते रहते हैं, मुझे काम से मतलब है। काम पैसे देता हूँ तो काम लूंगा मैं भरपूर, समझे? अरे मोदी जी, ऐसे भी काम से क्या फायदा? अरे ऐसा काम हमें नहीं चाहिए, समझे, जो काम करते करते आदमी परेशान हो जाए। ऐसा काम नहीं चाहिए, हम भी काम पे नहीं आएंगे बिल्कुल, समझे।